सो हेलो माई डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। तो आज का जो वीडियो है वो लॉकडाउन 5.0 के बारे में है। तो फटाफट से मास्क पहन लेते हैं। तो आपको पता चल ही रहा होगा मेरा बैकग्राउंड कैसा है। तो ये भी एक कला है, आपको सीखनी है तो मेरे साथ कंटिन्यू रहें। और जो भी न्यू व्यूअर्स है फटाफट से जाके सब्सक्राइब करें चैनल, इधर या इधर लोगो आ रहा होगा फटाफट से जाके लाइक शेयर कमेंट, अपने दोस्तों को बताइए लड़का क्या करता है जिसका नाम निंजा बाइगर बॉय है। तो ठीक है फटाफट से मिलते हैं इंट्रो। सुबह क्या फटाफट से हमें रोड पे आए हैं सीधा। आज आपको सीधा मैंने रोड के दर्शन करा दिए। तो आप आज का जो बात चल रही है, जो मेन जो है आपको पता चल गया होगा थंबनेल देख के, जो मैंने कंटेंट डाला है वो है लॉकडाउन 5.0, मतलब लॉकडाउन 5.0। तो आप देख सकते हो लॉकडाउन आज हम बात करेंगे कि खुलना चाहिए क्या क्या इसके बारे में है, मतलब सारी चीज के बात डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे को कमेंट करके बताना। So what's up people, how are you all? I hope you all are good and doing wonderful beautiful things in your life. So aaj dekh sakte ho 5.0 jo lockdown hai bhai sahab, dekh sakte ho kitni bheed hai, matlab jo virus jis tarike se phail raha hai na us hisab se baat kar liya, to bhai ye bahut dangerous cheez hai. To matlab ek tarike se ek zombie attack ho sakta hai agar hum baat kare to, theek hai? Aur भाई मतलब 11 स्टेट्स में लग चुका है 5.0, मतलब लगेगा ऐसी बात चल रही है और लग जाएगा ये कंफर्म हो चुका है। और लास्ट मेरे जो ब्लॉग से जो मैं रोड की जो मैंने छोटी छोटी सी राइड्स करी थी उसमें हमने देखा था कि यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है, ठीक है, लेकिन लग नहीं रहा इतना कुछ। लेकिन ऐसा लग रहा है 50% जनता घर पर अभी भी, लेकिन बढ़िया है भाई घर पे रहो उतना ही सेफ है। मेरे को तो थोड़ा काम भी था एक छोटी सी, मैं ऐसा था क्योंकि वहाँ पे जाना है मेरे को अपना मैक्स हॉस्पिटल के सामने थोड़ा केमिस्ट शॉप है वहाँ पे जाना है क्योंकि मामा जी मेरे यूपी रहते हैं। नहीं है बट स्टिल देखो आप जो है मतलब ये कि एक तरीके से नॉर्मल डेज वापस आ चुके हैं, नॉर्मल डेज मतलब देख सकते हो मैं अभी भगा भी नहीं पा रहा, लास्ट टाइम तो मैंने फुल ऐसे भगाई थी। तो मैं आपको एक छोटी सी राइड में लेके चलूंगा जो कि अपने एक मिडिल क्लास सोसाइटी जो कि अपना डीडे फ्लैट्स है, ठीक है, जहाँ पे सारे मिडिल क्लास पीपल रहते हैं, और मैं आपको लेके चलूंगा साकेत तक, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा हम डिफरेंस देखेंगे आज कि मतलब कैसा डिफरेंस है कि मतलब अगर जो मिडिल क्लास सोसाइटी में कैसा मतलब इतनी चहल पहल है और ऐसी अदर क्लास सोसाइटी में कैसा मतलब माहौल है, तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे आज हम। तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और जो न्यू व्यूअर्स है फटाफट से जाके पहले सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो जिससे आप नेक्स्ट वीडियोस देख पाओ। तो हर बार की तरह मेरे को रेड लाइट मिली है और मेरे को रुक के आपसे बात करने के लिए बोलती है। तो कैसे हो आप लोग? तो सब बंदे मेरे को ऐसे देखते हैं यार तने क्या हो गया हो, बट स्टिल इसका तो वेट करना पड़ेगा। और जो लॉकडाउन भाई सीरियसली बहुत खतरनाक, और 11 जो स्टेट्स हैं उसमें जो एक स्टेट अपनी भी है जो कि दिल्ली है, क्योंकि हम दिल्ली से हैं भाई दिल्ली से। तो रेड लाइट फॉलो नहीं करी कभी नहीं, चलान घर पे आ जाएगा आपका, परेशान मत दो, ठीक है। हम यहाँ से एक फटाफट से राइड लेंगे ऐसे करके सैनिक बम के बाहर की जो साइड है वहाँ से ऐसे जाते हुए, और बाकी ऐसे एक चक्कर लेके सागेत का चक्कर लेते हैं माल्या नगर से ऐसे होते हुए, मतलब बार बार से होते हुए सिलेक्टेड वॉक की साइड से होते हुए हम आ जाएंगे। तो अपनी रेड ग्रीन लाइट हो चुकी है तो अपन चलते हैं। ओहो ये तो भगरी है बहुत तेज, किसी ने ढीला कर दिया था ये तो, ठीक है। दोस्तों यारो भाई हो ठीक है, तो आप इंजॉय करो जब तक जहाँ जहाँ पे मेरे को लगेगा कि ये चीज़ें बतानी चाहिए तो मैं वो सब कुछ बताता जाऊँगा। अब यहाँ से हमारा सैनिक बम चालू हो चुका है, आप देख सकते हो साफ सफाई चालू हो रही है पुल, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले रोड खींचते हैं। ओहो यहाँ पे जाम लगा हुआ है वैसे भी, यहाँ पे जैसे पहले जाम लगता था वैसे ही लगा हुआ है, और थोड़ी बारिश हो रही है लेकिन मौसम बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा मौसम हो रखा है, मतलब गर्मी है ही नहीं बट थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी है तो वी कैन सर्वाइव, ठीक है ना, मतलब सर्वाइव कर सकते हैं कि भाई इतनी गर्मी है चलता है इतना, क्योंकि शाम के 6:30 हो रहा है, 7:12 का मतलब 7:12 का हमारा सनसेट है। क्या पो ये
जो सफर था ये अपना सैनीपम का बाहर की साइड का है, ये जो एमबी रोड बोलते हैं उसको, उसको मैरोली बदरपुर रोड, जो कि सीधा मतलब अपना कुतुब मीनार की साइड जा रहा है। और जो भी है मतलब यहाँ का जो चहल पहल थी कुछ ज़्यादा थी, बट ये कि नॉर्मल डेज की तरह लग रहा था, मतलब ये मान के चलो 10-20% थोड़ा कम होगा। तो हम यहाँ से यूटर्न लेते हैं, फिर हम सागर की साइड जाएंगे, वहाँ का देखेंगे माहौल कैसा है। Walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the अब हम खोखा मार्केट की साइड है। आप खोखा मार्केट जिन जिन को मतलब चीज़ें चाहिए होती है घर की, जो नॉर्मल आइटम्स होते हैं खाने पीने के और भी एक्स्ट्रा है, तो आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, हमें जाना है यहाँ से लेफ्ट, तो हम लेफ्ट लेंगे। लेफ्ट लेके हम चहल पहल देखेंगे कि यहाँ की कैसी चहल पहल है लॉकडाउन को लेके। तो लोग फॉलो तो कर रहे हैं खैर मास्क वास्क का बात करें तो, बट यहाँ पे स्टिल अकॉर्डिंग टू मतलब पहले जैसे नॉर्मल डेज के हिसाब से यहाँ पे जाम कम है। तो मतलब यहाँ पे लोग थोड़ा फॉलो कर रहे हैं, और जो मेरे को जो बंदे देख रहे हैं, जो भी मेरे प्यार मेरे जितने भी लोग देख रहे हैं मेरे को, तो प्लीज़ मेरे को ना कमेंट करके बताना आपको लॉकडाउन 5.0 में मतलब कैसा फील हो रहा है, मतलब कि आपको नॉर्मल कैसा लग रहा है, कि मतलब नॉर्मल डेज की तरह ही है या मैं जो दिखा रहा हूँ वो अलग है। तो थोड़ा मतलब मेरे को क्लियर करना कमेंट करके कि भाई ये लॉकडाउन क्या है, मतलब आपको कैसा लगा कि मैंने ये चीज़ें बताई, या मैं चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, या मैं आपसे मेरे को बताओ कि मैं लॉकडाउन को लेके कोई कंटेंट लगाऊं या ना लगाऊं, मतलब बनाऊं या ना बनाऊं, क्या ना मतलब ये है। बट स्टिल यहाँ पे देखा जाए तो लॉकडाउन के हिसाब से यहाँ पे चहल पहल नहीं है, जैसे नॉर्मल डेज में यहाँ पे लोग घूमते थे, यहाँ पे थोड़ा रश रहता था, ऐसा रश नहीं है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। थोड़ा जैसे मिडिल क्लास सोसाइटी में लोग थोड़ा ज़्यादा बाहर रहते हैं, मतलब एक दूसरे से इंटरेक्शन ज़्यादा रहता है उन लोगों का। ठीक है, तो ये चीज़ हम देख सकते हैं, मतलब अपने जो मिडिल क्लास सोसाइटी, जैसे हम मदनगिर रहते हैं, तो यहाँ पे मिडिल क्लास सोसाइटी रहते हैं, लोग पीपल रहते हैं, वैसे यहाँ पे थोड़ा मतलब अच्छे अपर क्लास सोसाइटी वाले पंगलों वंगलों वाले थोड़े पैसेदार पार्टी वाले लोग रहते हैं। तो स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा मतलब रश नहीं है, थोड़ा मतलब ये डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं अभी तक, मतलब 5.0 मतलब लॉकडाउन 1 से लेके लॉकडाउन 5.0 तक ये फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, फॉलो करना भी चाहिए। और स्टिल मतलब केसेस आप देख सकते हो, मतलब अभी मान के चलोगे आप तो 14,000 केसेस तो दिल्ली के है ही हैं। बिल्कुल मैंने पढ़ा था थोड़ा, मतलब मैं पढ़ पढ़ के आपसे सब बातें करता हूँ। ठीक है ना, और मतलब अकॉर्डिंग मेरे को देखा जाए तो जो जैसे मैंने बात करी थी यार लॉकडाउन 5.0 को लेके, तो चहल पहल तो गुरु है, मानना पड़ेगा ये बात। तो आपने देखा, मैंने आपको दिखाया कि भाई कितनी चहल पहल है। तो आज हमने एक छोटी सी राइड ही ली थी, मतलब 5.0 और राइड, लॉकडाउन 5.0 और राइड। तो आपको मैंने दिखाया कि वहाँ पे जो मेरे यहाँ पे था, जहाँ से मैं निकला था अपने घर की साइड से, वहाँ पे कितना जाम था, सीरियसली यार बहुत जाम था। ठीक है ना, और एज कम्पेयर टू मतलब अपना साकेत की साइड गए तो वहाँ पे इतना रश था ही नहीं। तो ये हमारे को एक मतलब एक वो है ना, क्या बोल सकते हैं, एक समझने वाली बात है कि भाई जैसे हम रह रहे हैं थोड़ा जैसे मिडिल क्लास सोसाइटी, थोड़ा सा डिस्टेंस करें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, जैसे मेरे एरिया में काफ़ी सारे मतलब लोग पॉजिटिव आए थे, सीरियसली पॉजिटिव आए थे। तो इसलिए थोड़ा मेरा ये भी एक मैसेज है कि प्लीज़ कीप डिस्टेंस। ठीक है ना, मेरे को जो लास्ट जो ब्लॉग था मेरा ईद का, उसमें ही मैंने, मेरे को पता है मैंने डिस्टेंस फॉलो नहीं करा, बट वो सारे जितने भी सदस्य लोग जो थे उस टाइम, वो एक ही फैमिली के हैं, वो निकलते ही नहीं है घर से बाहर। बट स्टिल यार बी सेफ, स्टे एट होम, ये बेस्ट है आज की डेट में। इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाना थोड़ा सोचा कि भाई, क्योंकि अपने यहाँ पे इतनी मतलब रश था, और आप देख सकते हो साकेत की साइड गया, वहाँ पे रश नहीं था। ठीक है ना, अब देखो वही मैं इसी लेन में आ गया हूँ, अपना मालवा नगर मेरी लेफ्ट साइड में पड़ता है, रोजरानी भी मेरी लेफ्ट साइड में पड़ता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो मतलब कितना रश रहता है इन प्लेसेस पे। यहाँ पे भी देखो यार, ये सिलेक्ट सिटी वॉक है अपना। ठीक है ना, आप देख सकते हो सिलेक्ट सिटी वॉक, मतलब कितना रश रहता था इस साइड भी। तो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा सिकनेस है, क्योंकि मॉल्स तो खुले हैं नहीं, इसलिए यहाँ पे फुटफॉल भी इतना होगा ही नहीं। कितना शांत है यहाँ पे,
हेलमेट पहन लो, हेलमेट हेलमेट नहीं पहन रहे बताओ, अपना साफा लपेट रखा, हेलमेट तो बहुत जरूरी है भाई, वो नहीं पहनेंगे। ठीक है तो भाई, वो मैंने आपको छोटी सी राइड कराई अपनी लॉकडाउन की 5.0 की, ठीक है, शुरुआती दौर की। तो जैसे कि मैंने बताया कि 11 सिटीज में होना है ये, ठीक है, और उसमें से एक अपनी एक दिल्ली भी है, ठीक है ना, मुंबई, गुजरात, काफी सारी स्टेट है, राजस्थान हो गया, ठीक है ना, अब मैं सबके तो नाम बता नहीं रहा, तो मेन तो मैं दिल्ली का बताऊंगा ना यार, अभी तो बाहर निकला भी नहीं, तुम मेरे को बाहर जाने दोगे ना, तभी तो जाऊंगा मैं, तुम अपना प्यार दिखाओ, ठीक है ना, तो मजा है। चुकी है, अच्छा अपना जितना भी था बात हमने कर चुके हैं, तो फटाफट से आप घर की तरफ चलते हैं, हम जेक तरह पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो भाई ये वीडियो को यही एंड करते हैं, तो आप मेरे को जरूर बताना कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, और जो मैंने कंपैरिजन दिखाया, क्या है हमें बरतना चाहिए या नहीं बरतना चाहिए, बरतना चाहिए का मतलब ये भी बता देता हूँ कि हमें ऐसे ही चलना चाहिए या हमें चेंज करना चाहिए। जैसे कि मैंने दिखाया था कि भाई यहाँ पे कितना रश है, इवन हम उसी रोड पे आप देख सकते हो कितना रश है अभी भी, ये मेन रोड है और वो भी मेन रोड था एक जो साकेत की साइड जा रहा था, आप देख सकते हो मतलब लोग कितने अवेयर है उस साइड के, ठीक है। तो प्लीज अगर आप लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज गिव मी अ लाइक बटन और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, शेयर भी करना और अपने दोस्तों को जरूर बताना कि ये भाई क्या करता है, क्या दिखाता है, क्या बोलता है और क्या करना चाहता है। तो ठीक है गाइस, सो लव यू ऑल, इट्स अ फ्लाई बाय टाइम, ठीक है ना, और मैं बीली नहीं मार सकता, तो मेरे एक फ्रेंड ने बोला था कि मेरे को एक भाई जब भी फ्लाई बाय करो तो बीली मार देना, तो मैं व्हीली मार सकता हूँ कि यहाँ पे रश बहुत है, ठीक है, और अपने एरिया में पहुंच चुके हैं हम। तो गाइस कीप ऑन शेयरिंग, ठीक है ना, आई लव यू ऑल, ठीक है ना। अब भाई खुद ही देख लो, मैं अपने घर के पास पहुंच चुका हूँ, वीडियो एंड कर चुका हूँ, ठीक है ना, और जाम देख लो आप, जाम देख लो कितना ज्यादा जाम है यहाँ पे, कहा यहाँ पे रोड पे बाइके गाड़ी चलती थी और यहाँ पे इतना जाम लगा हुआ है, वो वहां तक आगे तक जाम। ठीक है हमने यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट करता, यहीं पे आज एंड कर रहे हैं, तो सी यू ऑन द नेक्स्ट ब्लॉग, कीप ऑन शेयरिंग लाइकिंग, और शैगी वेट कर रहा हमारा।